एक इंसानियत की बात करना चाहता हूं, क्योंकि हम एक सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और पूरी वफादारी और ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन जब हम हमारे सियासी पार्टियों से ऊपर उठकर भी एक पार्टी है, ऊपर उठकर भी एक दल है जिसका नाम है इंसानियत। और कल के दिन जब हम लोग मेरे दोस्तों के साथ में एक रेस्टोरेंट पर पार्टी हो रही थी, तो उसी टाइम क्योंकि मेरा ननिहाल है तुलसीपुर की तरफ, तो वहाँ से एक प्रोफेसर का फ़ोन आया जिनसे मैं काफ़ी दिनों से टच में हूँ। तो उन्होंने फ़ोन करते ही कहा, और नेताजी कैसे हैं? ठीक, बढ़िया। हमने मतलब खुशी हुई कि जो आदमी हमेशा बेटा कहकर बात करता है वो आज नेताजी कह रहा है। उसके बाद उन्होंने कुछ शब्द कहे कि देखिए, आप समाजसेवी लिखते हैं, 3-4 सालों से मैं आपको जानता हूँ, आप नेतागिरी करने का दावा करते हैं, लेकिन जब आज आपके जिले बलरामपुर में एक आदमी मरा हुआ पाया जाता है सुबह के टाइम, इस पे आप क्या कहेंगे? तो वास्तव में जब हमने अपने ग्रुप में जितने लोगों के साथ में मैं था, जब उनसे मैंने ये बात शेयर की, तो हम लोगों का जो पार्टी का मोटो था, जो रेस्तरा में था, रेस्टोरेंट पे जो था, उसका कहीं ना कहीं जो खुशी मिलने वाली थी उससे हम वंचित हो गए। जब मैं शाम को आया, मैं लेटा, और रात को जब नींद ने मेरा साथ छोड़ना चाहा, मेरा साथ छोड़ने की कोशिश की, तब हमें गौर करने का वक्त आया, हमें सोचने का वक्त आया। और शायद ये बातें मैं इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस बात पे आपको भी विचार करने की ज़रूरत है। ये चुनाव का माहौल है, चुनाव एक तरीके से उत्सव होता है, एक तरीके से त्यौहार होता है, चुनाव का माहौल है। सब अपनी अपनी पार्टी के साथ में ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आप जिस भी पार्टी से, सियासी पार्टी से जुड़े हो, उसके लिए मदद कीजिए, उनका बेफिक्र होकर, बेखौफ होकर उनके लिए मजबूती की लड़ाई लड़िए। लेकिन मेरे भाई, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको जरूरत है कि सियासत से ऊपर उठकर इंसानियत को पहचानने की जरूरत है। वो बलरामपुर का मसला है। मेरे साथी जो हैं बलरामपुर के, उतरावला के, गैसड़ी के और गोंडा के, और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, आपसे मैं निवेदन करता हूं जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको, क्योंकि ये समाज हमारा है, ये सोसाइटी हमारी है, तो अगर सोसाइटी में कुछ गलत होता है, सोसाइटी में कुछ अन्याय होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बनेगी। इसलिए मैं आप सभी से बहुत ही विनम्रता के साथ में निवेदन करता हूं कि आप जिस शहर में रह रहे हैं, आप उतरावला में रह रहे हैं, उतरावला चौराहे के आसपास, उतरावला के कई नुक्कड़ों पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास में कंबल नहीं होगा, ना उनके पास में इतनी कुवत होगी कि वो कंबल खरीद कर पा सके। और आने वाले 2-4 दिन में 26 से लेकर 27, 28, 29, 30 तक ये चीज़, वो क्या, मौसम विभाग ने गाइड किया है कि उस दिन सर्दी होगी, बारिश हो सकती है, तो उस बारिश में बहुत से लोग ऐसे हैं आपके चौराहे पर, आपके जो नज़दीक होगा उस चौराहे पर भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास में रहने को घर नहीं है, जिसके पास में इतना इंतजाम नहीं है कि जब बारिश होगा तो अपने आप को बचा सके। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे साथी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपको अगर कोई ऐसा आदमी मिलता है जिसको जरूरत है, जिसको कंबल की, जिसको जरूरत है छत की, और जिसको किसी भी तरीके की आपको लगता है कि इसको सोसाइटी की, इसको इकोनॉमिकल जरूरत है या इसको फिजिकल जरूरत है, जिस तरीके से जरूरत है, आप कोशिश कीजिए खुद से करने की। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इतना जहमत कीजिए कि मुझको इन्फॉर्म कीजिए। हम लोगों ने एक टीम बनाई है जो हमारे युवा साथी हैं, सबने बैठ कर उस पर चर्चा किया है कि हम कोशिश करेंगे। हम पैसे कमाते हैं और इसको सियासत बैनरों पर खर्च करते हैं, उससे हमको वो सुकून नहीं मिलता है जो हम किसी गरीब के जिस्म पर जब कंबल डालेंगे जो सुकून हमको मिलेगा। बस इतनी सी बात कहनी थी। बाकी आपका सबके साथ में बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी, आप खूब तरक्की करिए और जिस किसी भी सियासी दल से जुड़े हुए उसके साथ में ईमानदारी से काम कीजिए। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप किसी दल के बाद में होंगे, आप इंसानियत से पहले जुड़े हुए हैं। आप किसी धर्म के हो सकते हैं, किसी जात के हो सकते हैं, किसी मसलक के हो सकते हैं, किसी मजहब के हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात को मत भूलिए कि आप एक इंसान हैं, और एक इंसानियत, इंसान होने के नाते इंसानियत की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आपके अगल बगल कोई सर्दी से ठिठुर कर कोई दूसरी जान नहीं जाएगी, कम से कम हमारे जिले में, हमारे उतरावला में, बलरामपुर में, तुलसीपुर में, गैसली में तो नहीं जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। थैंक्स।